फिडा फाउंडेशन द्वारा 28वीं अंतर्राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस का आयोजन दिल्ली के मेरिडियन होटल में किया गया, जिसमें फाउंडेशन के फाउंडर ट्रस्टी डॉक्टर संतोष कारमार्कर, प्रेसिडेंट डॉक्टर मार्गो व्हाइटफोर्ड और फाउंडेशन की ब्रांड एम्बेसडर बॉलीवुड अदाकारा रवीना टंडन ने पहुंचकर इस बीमारी के बारे में जानकारी दी। इस मौके पर फाउंडेशन की ओर से उन बच्चों को पुरस्कृत भी किया गया जो इस बीमारी से जूझने के बावजूद किसी न किसी क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए मुकाम हासिल कर रहे हैं। डॉक्टर संतोष ने जनहित न्यूज से खास बातचीत के दौरान बताया कि यह बीमारी पोलियो से भी भयंकर है। पोलियो में तो बच्चा पैदा होने के कुछ साल बाद बीमारी से ग्रस्त होता है, परंतु स्पाइना बाइफिडा बच्चा बनने के साथ ही उसे अपनी चपेट में ले लेती है। उन्होंने बताया कि प्रेगनेंसी के दौरान फ्यूलिक एसिड और कैल्शियम की कमी के कारण बच्चों का विकास सही ढंग से नहीं हो पाता, जिस वजह से उन्हें यह बीमारी लगती है। स्पाइना बाइफिडा एक बहुत ही भयंकर बीमारी है, तो इस पर किस तरह से इसके जो लक्षण हैं किस तरह से पाए जाते हैं और किस तरह से इसका जो बचाव किया जाता है, वो बताने के लिए हमारे साथ डॉक्टर कामराकर हैं। ये बात करते हैं डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से इस बीमारी का पता लगता है और किस तरह से इसका उपचार किया जा सकता है। राइट, ये बीमारी एक बहुत बड़ी पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम है इंडिया में, और ये किस्म का बर्थ डिफेक्ट है, यानी हिंदी में उसको जन्मजात व्यंग कहेंगे। सो इस बीमारी से हर 1000 डिलीवरी जो होती है उसमें से लगभग 4 बच्चे स्पाइना बाइफिडा से के मरीज होते हैं, और ये पोलियो से भी ज़्यादा सीवियर, पोलियो से भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है, जिससे पैदाइशी से, जन्म से बच्चे को पैरालिसिस होता है, और ये पैरालिसिस पोलियो से भी ज़्यादा सीवियर है। और सबसे अहम बात यह है कि इसको प्रिवेंट किया जा सकता है, यानी अगर फैमिलीज को, अगर होने वाली माओं को ये जानकारी हो कि ये बीमारी फोलिक एसिड की कमतरता शरीर में होने से उससे होती है, और प्रेग्नेंट होने के 1.5 से 2 महीने पहले अगर उन्होंने फोलिक एसिड लिया तो ये बीमारी को पूरा प्रिवेंट किया जा सकता है। और ये मैसेज, ये अवेयरनेस पूरे भारत भर फैलाना, ये आज मेरे ख्याल से अपने मिनिस्ट्री, हेल्थ मिनिस्ट्री का बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और आज जो हमारा 2 दिन से कॉन्फ्रेंस हो रहा है उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री के ऑफिशियल्स आए थे, और वो कोशिश करेंगे कि इस कैंपेन को आगे बढ़ाए, मगर आज हमने उनकी आँख तो खोल दी है, और उम्मीद करते हैं कि आपके माध्यम के द्वारा ये मैसेज सबको पहुँचे कि ये डेंजरस और वेरी सीवियर बर्थ डिफेक्ट को एक सिंपल विटामिन लेके इसको प्रिवेंट किया जा सकता है। लोगों में जिस तरह से जागरूकता की काफ़ी कमी है, काफ़ी अभाव है जागरूकता का, तो उसके लिए क्या कार्य किया जा रहा है, किस तरह से लोगों को बताया जा रहा है? तो यही बात मैं कह रहा था कि इसकी जागरूकता के बारे में जितना काम होना चाहिए उतना नहीं हो रहा है। हमारी जो संस्था है स्पाइना बाइफिडा फाउंडेशन, तो उसने ये काम चालू किया है, मगर इंडिया जैसे बड़ी कंट्री में इस मैसेज को सब जगह फैलाने के लिए सबकी ज़रूरत होगी, मीडिया की है, गवर्नमेंट की है, हेल्थ मिनिस्ट्री की है, WHO की है। तो स्पाइना बाइफिडा फाउंडेशन ने एक चीज़ तो अब कर दी है कि इन सबको साथ में लाया है, और आज ये कॉन्फ्रेंस के बाद इसका फॉलोअप होगा। रवीना टंडन ने बताया कि वह पिछले 6 वर्षों से फाउंडेशन के साथ जुड़ी हैं और लोगों को जागरूक करने के लिए कार्य कर रही हैं, क्योंकि आज 1000 में से 4 बच्चे इस बीमारी से पीड़ित हैं, जिसका कारण यह है कि लोगों में जागरूकता नहीं है। इसलिए हम सभी को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए लोगों को जागरूक करना होगा, ताकि महिलाएं प्रेगनेंसी शुरू होने से पहले ही दवा लेनी शुरू कर दें और बच्चा स्वस्थ पैदा हो सके। रवीना टंडन ने कहा, सरकार को भी आगे आना चाहिए, और जैसे पोलियो के लिए जागरूकता अभियान सरकारी स्तर पर चलाया जा रहा है, उसी तरह से स्पाइना बाइफिडा के लिए भी अभियान चलाया जाए।
प्राइम मिनिस्टर भी हैं और कई सालों से इसके साथ जुड़े भी हुए हैं, लेकिन इतनी भयंकर बीमारी होने के बाद लोगों में जागरूकता इसके लिए काफ़ी कमी है। इसी वजह से हमने ये पूरा फाउंडेशन शुरू किया है, जहाँ हमें लगता था कि ये एक ऐसी बीमारी है जो आसानी से प्रिवेंट हो सकती है, तो फिर क्यों तभी भी, आप यकीन नहीं करेंगे, हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा ये बीमारी बच्चों में पाई जाती है पूरी दुनिया से, तो ऐसा क्यों? और ये सिर्फ एक छोटी सी चीज़ है जो जानकारी नहीं है लोगों को, गांव में हमारे रूरल हमारे इंटीरियर्स में एक छोटा सा पत्ता है, 5 रुपए का पत्ता आता है फोलिक एसिड, जब गर्भवती होती हैं औरतें उनको ये गोली शुरू करनी चाहिए जिसे हम फोलिक एसिड कहते हैं, और यही एक जानकारी है जो गांव-गांव में फैलाने की बहुत ज़रूरत है क्योंकि लोगों को पता नहीं है, और उसी से ये होता है स्पाइना बाइफिडा, जहाँ स्पाइन और एक डिफॉर्मिटी से बच्चा पैदा होता है अनफॉर्चुनेटली। एंड जैसे कि मैंने कहा कि दुखद बात ये है कि ये वो एक छोटी सी गोली जब आप प्रेग्नेंट हैं उसे खाने से ये प्रिवेंट हो सकता है, लेकिन लोगों को पता नहीं है, तो ये जागरूकता फैलाने के लिए ही ऐसे कॉन्फ्रेंसेज, और ज़्यादातर जहाँ हमने ये फाउंडेशन बनाया है उसमें वो ही कोशिश है। लेकिन आपने लगता है जिससे गवर्नमेंट पोलियो के लिए काम कर रही है, इसी तरह इस बीमारी के लिए भी कार्य करना चाहिए? करना ज़रूर चाहिए, मोस्ट डेफिनेटली, लेकिन जैसे कि ये है कि पोलियो एक ड्रॉप से या प्रिवेंटिव ड्रॉप्स जो होते हैं, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट, एक्चुअली हम लोग साथ में भी काम कर रहे हैं, जहाँ जहाँ गवर्नमेंट के जो क्लिनिक्स हैं, जहाँ प्रेगनेंसी क्लिनिक्स हैं, वहाँ जब डॉक्टर्स के पास जाती हैं माएँ तो उनको बताया जाता है कि आपको ये 3-4 गोलियाँ ज़रूर लेनी चाहिए, लेकिन जब माएँ ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं जाती हैं या वो ऐसे जो होम बर्थ्स होते हैं, जो गाँव में अपने ही होम बर्थ जिसे कहते हैं, जो घर में खुद यू नो जो जैसे दाइयाँ होती हैं वो करते हैं, तो उनको इतनी जानकारी नहीं होती और कहीं ना कहीं ऐसे ही फैलती है फिर बात। लेकिन गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी जब जाती हैं तो 2-3 महीने बाद प्रेगनेंसी के मेडिसिन स्टार्ट होती है। जी जैसे से आपके द्वारा में बताया जा रहा है कि जी मैरिज की पहली नाइट से जी जी बिल्कुल, तो इसीलिए हम अब गवर्नमेंट के साथ भी जुड़ के इस बात को आगे बढ़ाना चाहते हैं कि जैसे टीवी स्पॉट्स हों या एडवर्टाइजमेंट्स हों या हमारे दूरदर्शन पे भी ये ज़्यादातर फाउंडेशन के बारे में और इस बीमारी के बारे में उसे कैसे प्रिवेंट किया जा सकता है कोशिश जारी है। इस बीमारी से बचाव के लिए प्रेग्ना केयर नाम से दवाई बाजार में उपलब्ध है, इसकी जानकारी देते हुए वीटा बायोटेक्स कंपनी के उपाध्यक्ष रोहित ने बताया कि मात्र 9 रुपए की कीमत पर यह दवाई मिलती है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो निश्चित तौर पर इससे बीमारी से बचा जा सकता है। ये टैबलेट का नाम है प्रेग्ना केयर, जिसमें फोलिक एसिड, B12 और विटामिन डी, ये सारे जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं जो प्रेगनेंसी में बहुत ज़रूरी है स्पाइना बाइफिडा जैसे प्रॉब्लम्स को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, ये सारी चीज़ें हैं इसमें, और इसका पर डे कॉस्ट सिर्फ 9 रुपया है, 9 रुपीज़ पर डे, सो ये बहुत ही अफोर्डेबल है, और दिस इज़ दी ओनली सोल्यूशन कि आप फॉलिक एसिड और B12 की टैबलेट ले टू प्रिवेंट स्पाइना बाइफिडा जैसी प्रॉब्लम्स। इस बीमारी को अपने तन पर झेल रहे बच्चों और उनके परिवार से भी हमारी टीम ने बात की, तो उनका कहना था कि हमें तो पता नहीं था जिस कारण हमें इस बीमारी ने अपनी गिरफ्त में लिया। तो हमारे साथ में वो बच्चे हैं जो कि इस बीमारी से ग्रस्त हुए हैं, जो इस जो बीमारी है उसको जो झेल रहे हैं, तो आइए बात करते हैं। क्या नाम है आपका? खुशबू गनत्रा। खुशबू जी, आपसे जानना चाहेंगे किस तरह से आपको ये मतलब किस बीमारी जो हुई है, किस तरह से कितनी दिक्कत इसकी वजह से आपको? दिक्कत मतलब लोअर बॉडी पूरी पैरालिसिस है, बट अगर इसे दिक्कत समझ के अपनी ताकत समझे तो ज्यादा बेटर रहेगा, कमजोरी को अपनी ताकत बना लीजिए तो सारी चीजें आसान हो जाती है। जब आप निकलती हैं स्टडी करने के लिए निकले या कहीं भी निकलती हैं तो कितनी मुश्किल से होती है? सबसे बहुत ज़्यादा, क्योंकि हमारा इंडिया बिल्कुल भी एक्सेसिबल नहीं है, तो वो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि हमें स्कूलिंग ठीक से नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ तो ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा हो जाता है। सबसे पहले तो लोग डरते हैं व्हीलचेयर वाले को कैसे करवाए कैसे ना करवाए, जैसे कि अभी मेरा पूरा जो जा रहा है वो स्पोर्ट्स पे कॉन्सेंट्रेट जा रहा है, इक्वल राइट टू एवरीवन स्पोर्ट्स में जो मेरा कॉन्सेंट्रेट है, और जानी मैम मुझे उसमें पूरा सपोर्ट कर रही है। मैंने खुद ने अभी डिस्ट्रिक्ट और स्टेट लेवल क्लियर किया है गोल्ड मेडलिस्ट पावर लिफ्टिंग में, और मैंने अभी भी पहले बताया कि मुझे फिटनेस में ही आगे जाना है, क्योंकि नॉर्मल बॉडी हो या व्हीलचेयर बॉडी हो फिटनेस सबके लिए बहुत ज़्यादा मायने रखती है। रवीना टंडन ने देश की सभी महिलाओं को जनहित न्यूज़ के माध्यम से एक संदेश भी दिया, अगर उसे सभी फॉलो कर लें तो शायद इस बीमारी की चपेट में आने से बचा जा सकता है।
जितनी प्रेग्नेंट वीमेन हैं, जो गर्भवती हमारी बहनें हैं, मैं उनको ये कहना चाहूँगी कि आपके बच्चे की परवरिश, उसका स्वास्थ्य आपके हाथ में है। तो ज़रूर अगर आप सोच रही हैं अपने परिवार को बढ़ाने के लिए, पहले एक डॉक्टर से मिलिए या पहले जानकारी पाइए कि आप जो जो खाएं, क्योंकि वो आपके बच्चे को जाने वाला है, तो आप भी अपने स्वास्थ्य को, अपने हेल्थ को संभालें, और फिर आप खुद देखेंगी कि आपका बच्चा भी भगवान की दया से बहुत ही स्वस्थ और हेल्दी। इस तरह से इतनी भयंकर बीमारी है, लेकिन लोगों को में जागरूकता की कमी है, और 1000 में से 4 महिलाएं जो हैं वो इससे पीड़ित होती हैं, और उसकी वजह से जो बच्चे जो हैं वो इस बीमारी से ग्रस्त होते हैं। पोलियो से तो बचाव किया जा सकता है, पोलियो के लिए काफ़ी काम भी जो सरकार कर रही है, लेकिन ये इतनी भयंकर बीमारी है कि बच्चे के जन्म के साथ ही उसको जो बच्चे को पोलियो हो जाता है, लेकिन इससे हमें जो बचा जा सकता है, क्योंकि फोलिक एसिड और कैल्शियम की कमी की वजह से बीमारी होती है। तो उनका यही कहना है कि सरकार को चाहिए कि अपनी तरफ से फाउंडेशन जो है वो तो पूरा कार्य कर रही है, इसके ऊपर काम कर रही है, लोगों को जागरूक भी कर रही है, तो सरकार को भी चाहिए जिस तरह से पोलियो के लिए कार्य किया जा रहा है, उसी तरह से इस बीमारी के लक्षण लोगों को बताने के लिए, लोगों को में जागरूकता लाने के लिए, और किस तरह से इसका बचाव किया जाना चाहिए, तो सरकार को भी इसके लिए इनके साथ मिलकर के कार्य करना चाहिए। कैमरामैन गोलाल के साथ सुदीप सिंह, अनहित न्यूज़।